नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है राजकुमारी जी, जो कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी शुभचिंतक हैं और समाज सेविका हैं। तो आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर के महीने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संकल्प लिया था, वो संकल्प क्या है और उन्होंने क्यों लिया था? सबसे पहले तो मैं एसएम न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी, और क्योंकि एसएम न्यूज़ बड़ी तेज़ी से और बड़ी ताकत के साथ लोगों को नए नए वीडियो दे रहा है और लोगों को जागृति पैदा कर रहा है, समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। एसएम न्यूज़ का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं अभी अपने सभी श्रोताओं को बता देना चाहती हूँ कि वास्तव में मैडम आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया है कि अभी सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर के महीने में बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। वो प्रतिज्ञा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो मैं आपको कहने जा रही हूँ या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वो सारा का सारा श्रेय अपने महापुरुषों को जाता है, हमारे महापुरुषों को जाता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने तो हमें रास्ता दे दिया। अब चलना ना चलना ये तो हमारा काम है। तो मैं बाबा साहब की बातें यहाँ कर रही हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी हायर एजुकेशन लेने के लिए कोशिश कर रहे थे या अपनी तैयारी कर रहे थे, तो उनके पास पैसा नहीं था। तो पैसे के अभाव के कारण उन्हें जो अपने बड़ोदरा के नरेश सियाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी, वजीफ़ा दिया कि आप जो है विदेश में जाकर के पढ़ाई करें, और बाबा साहब को ये मौका दिया कि आप जो विदेश में जाके पढ़ाई करें। लेकिन बाबा साहब को ये मौका तो दिया, एजुकेशन लेने का मौका तो दिया, साथ ही साथ एक एग्रीमेंट भी बनवाया कि जब आप पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस इंडिया वापस भारत आएंगे तो मेरे यहाँ पे नौकरी करेंगे। तो बाबा साहब ने उस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कर दिए, मंजूरी दे दी और बोला कि मैं वापस इंडिया आते के साथ ही मैं यहाँ आपके यहाँ नौकरी करूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही इंडिया वापस आए तो अपने वादे के मुताबिक वो सियाजी और आप गायकवाड़ के यहाँ बड़ोदरा नरेश के पास पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद सियाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें जाते ही उन्हें नौकरी दे दी, और वो ऑफिस में एक ऑफिसर की हैसियत से वहाँ काम करने लगे। लेकिन उनको जो रहने और खाने की जो व्यवस्था थी, राजा ने कहा, सियाजीराव गायकवाड़ जी ने कहा कि आपको अपने रहने और खाने की व्यवस्था स्वयं करनी है। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है। तो दो दिन तो बाबा साहब सियाजीराव गायकवाड़ जी के जो बगीचे थे, बाग थे, क्योंकि राजा थे वो, तो उनके बड़े बड़े बगीचे थे, महल थे, हर चीज़ है, आज भी वो सब चीज़ें मौजूद हैं। तो बाबा साहब वहाँ पे जो है अपना दो दिन बगीचे में अपनी रात बिताई और वहाँ रहे। लेकिन आखिरकार बाबा साहब को इंतज़ाम तो करना था अपने रहने का, लेकिन जब वो शहर के अंदर गए, बड़ोदरा शहर के अंदर गए कि कहीं से कोई मकान मिल जाए, तो बाबा साहब काफ़ी घूमने के बाद उन्हें कोई मकान नहीं मिला। जब कोई मकान नहीं मिला तो किसी ने कहा कि भाई ऐसा है, यहाँ पे ये जाति व्यवस्था और ये छुआछूत का भेदभाव बहुत चरम सीमा पर है और आपको ऐसे कमरा नहीं मिलने वाला है। तो किसी उनके परिचित ने उन्हें सलाह दी कि आप जो है जाति को छुपा करके और जो यहाँ एक कमरा ले लें। तो किसी ने बाबा साहब की सहायता की और बाबा साहब को वहाँ पर एक कमरा पारसी धर्मशाला में दिलवा दिया, और पारसी धर्मशाला में बाबा साहब रहने लगे। और जब पारसी धर्मशाला से बाबा साहब जब ऑफिस की तरफ जाते थे तो ऑफिस में क्या उनका देखने को मिलता था कि जब वो ऑफिस में एंट्री करते थे तो फर्श पे जो चटाइयाँ बिछी रहती हैं तो जो वहाँ का स्टाफ था वो चटाइयाँ हटा लेता था बाबा साहब के, जैसे ही बाबा साहब दिखे और तुरंत चटाइयों को समेट के अलग कर लेते थे। तो बाबा साहब कहते ये क्या हो रहा है?
तो बोले ये इसलिए कर रहे हैं हम कि आप अछूत हो और हमारी चट्टाइयाँ अपवित्र हो जाएंगे। तो बाबा साहब को बड़ा बुरा लगता था और बड़ा दुख होता था, बड़ा दिल में दुखी होते थे कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, विदेश से डिग्रियाँ लेके आया हूँ, लेकिन ये जो है छुआछूत अपवित्र, पता नहीं क्या इन लोगों को समझ नहीं आता। बाबा साहब उन्हें समझाने का प्रयास करते, लेकिन उन लोगों ने अपने दिमाग के सारे दरवाजे बंद कर रखे थे, वो कुछ भी समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन पे जो मनुवादिता की जो ढक्कन था ना, वो इतना मजबूत लगा हुआ था कि उस ढक्कन पे ताले भी जड़े हुए थे। तो बाबा साहब थोड़ा आगे जाते, अपनी कुर्सी पे बैठते और जब काम करते थे, तो बाबा साहब चपड़ासी से बोलते मुझे पानी पिला दो, तो चपड़ासी साफ मना कर देता था कि हम पानी आपको नहीं पिलाएंगे, हम जो है ऊंची जाति के होकर के आपको नीची जाति वाले को पानी पिलाएंगे, ऐसे करके वो बाबा साहब के साथ व्यवहार करते थे। बाबा साहब को वो जो ऑफिस में काम करते थे, फाइलें होती थी, तो बाबा साहब को जब फाइलें देने जाते थे तो वो भी दूर से फेंक देते थे, तो बाबा साहब ऐसे देखते थे कि ये क्या क्या इसका, इनका मैं क्या इलाज करूँ। तो बाबा साहब ने इस व्यवस्था से दुखी होकर के सयाजीराव गायकवाड़ जी से उनकी कंप्लेंट की, उनको कहा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो सयाजीराव गायकवाड़ जी ने कहा ठीक है, हम इनसे बात करेंगे। उन्होंने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ में सब ने कह दिया कि हम इनके साथ समानता का व्यवहार नहीं कर सकते, ये एक अछूत हैं और हम इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मतलब एक राजा जो उस सियासत का राजा था, वो भी मजबूर हो गया था इस व्यवस्था के सामने घुटने टेकने के लिए। तो राजा की भी वहाँ नहीं चल रही थी। और अब हम दूसरी तरफ जिक्र करते हैं पारसी धर्मशाला का, जहाँ बाबा साहब रहते थे। तो कुछ दिन, क्या मतलब 4-5 दिन रहने के बाद ही पारसियों को किसी ने कहा कि जो लड़का आपकी धर्मशाला में रह रहा है वो लड़का हिंदू नहीं है, वो लड़का अछूत है। तो बाबा साहब की जब वहाँ पे पारसियों को ये कह दिया कि वो लड़का अछूत है, तो बाबा साहब की आदत थी कि बाबा साहब अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जैसे ही अपने कमरे पे जाते थे, तो जाते ही अपनी पढ़ाई में लग जाते थे, किताबों में लग जाते थे, और वो खाना पीना वो लेट रात को बनाते थे। तो जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो ये सारे पारसी लोग इकट्ठा हो गए, 50-100 लोग इकट्ठा होकर के हाथों में डंडे लाठी लेकर के, और रात के 10 बजे बाबा साहब का दरवाज़ा पीट दिया। बाबा साहब कहने लगे भी पता नहीं कौन है, बाबा साहब ने दरवाज़ा खोला। अब इतने लोगों को देख के बाबा साहब एकदम अचंभे में रह गए कि ये इतने लोग मेरे पास क्यों आए और रात के इतने 10 बजे। तो बाबा साहब ने पूछा कि बताइए, उन्होंने कहा कि पहले आप ये बताएं कि आप हो कौन। बाबा साहब ने कहा कि मैं तो हिंदू हूँ। तो कहने लगे, भीड़ में से आवाज़ आई कि हमें पता चला है कि आप हिंदू नहीं हैं। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। फिर उन्होंने भीड़ में से किसी ने आवाज़ लगाई कि हमें पता चल चुका है कि आप हिंदू नहीं अछूत हैं, और इसी वक्त हमारी धर्मशाला को खाली करें। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मुझे आप 4 घंटे की मोहलत दें, 4 घंटे के बाद मैं आपके इस कमरे को खाली कर दूँगा। लेकिन उन लोगों ने मनुवाद की सारी हदें पार कर दी, और उन्होंने उसी वक्त कमरे के अंदर ज़बरदस्ती घुसकर बाबा साहब का सामान उठाया और सड़क पर फेंक दिया। अब रात के 10 बजे और कोई ठिकाना बाबा साहब का वहाँ नहीं था, रात के 10 बजे सामान सड़क पर फेंक दिया, और बाबा साहब भूखे प्यासे रात के समय ही मजबूर हो गए थे शहर छोड़ने के लिए। अब रात के 10 बजे बाबा साहब कहाँ जाते, कोई ठिकाना नहीं था, तो बाबा साहब अपने सामान को लेकर के चल दिए रेलवे स्टेशन की तरफ। लेकिन उनको पता थी कि जो ट्रेन बॉम्बे जाएगी वो 4 घंटे बाद है। तो बाबा साहब रास्ते में एक नदी पड़ती है, विश्वामित्र नदी, उस नदी के किनारे एक बड़ के पेड़ के नीचे बाबा साहब बैठ गए, और बैठ करके वहाँ इस मनुवादी व्यवस्था, इस जातिवादी व्यवस्था के बारे में सोचने लगे। और सोचते सोचते बाबा साहब वहाँ बहुत रोए उस बड़ के पेड़ के नीचे। और ऐसा हमारे कुछ उस वक्त के जो बुज़ुर्ग हैं या जो हमारे महानुभाव हैं, वो बताते हैं कि उस दिन में बारिश भी हुई थी। तो 24 सितंबर का वो दिन था जब बाबा साहब वहाँ बड़ के पेड़ के नीचे रात को बैठे बैठे रो रहे हैं, रोते 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 उन्हें काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर बाबा साहब ने बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ एक संकल्प लिया कि बाबा साहब ने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी,
जब मेरी इस समाज के अंदर कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी मान सम्मान नहीं है, मैं विदेश से डिग्री लेके आया हूँ और मेरा समाज तो बड़ा भोला भाला है, वो तो अभी इतना आगे तरक्की भी नहीं की है, तो वो इस समाज से कैसे निपटेगा? तो बाबा साहब ने ऊपर खुला आसमान, नीचे गीली ज़मीन, तो बाबा साहब ये सोच सोच के फिर बड़ी हिम्मत आई उनके अंदर, एक ताकत आई, उन्होंने कहा कि मैं आज ये संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं पूरा जीवन नौकरी नहीं करूँगा। अपने इस समाज को उठाने के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा दूँगा। और वो दिन 24 सितंबर का दिन था और बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा ली और उस प्रतिज्ञा के चलते हुए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज को दिया, समाज को अधिकार लेके दिए। उसके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपनी बीवी की कुर्बानी दे दी, यहाँ तक कि वो मतलब बीमारी से पीड़ित, शुगर की बीमारी से पीड़ित हो गए थे, वो रात दिन समाज की चिंता करते थे और समाज को, आज जो समाज हमारा तरक्की कर रहा है वो बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम जो है शिक्षा को हासिल कर लो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को शिक्षित कर दो और उसके बाद में इनके मंदिरों में जाना बंद कर दो, तो आप जो तरक्की के रास्ते पे आ जाएंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ, हिंदू होना गुलामी की निशानी है, हिंदू त्योहारों को मनाना गुलामी के पेड़ को सींचना है। तो हमें सबसे पहले तो इनके जो मनुवादिता के जो पाखंड है इसको छोड़ना है और अपने बच्चों को शिक्षित करना है। जिस दिन हमने अपने बच्चों को शिक्षित कर दिया उस दिन आधा मनुवाद ख़त्म हो जाएगा, और जिस दिन हमने अपने इनके मंदिरों में जाना बंद कर दिया बाकी बचा मनुवाद उस दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ये बाबा साहब की संकल्प भूमि जो है अभी बस 2-4 दिन में आने वाली है, और हमारे लोगों को बजाय इनके तीर्थ स्थानों पे जो आज तक जिनको पूजते आए ढोते आए हैं उनको छोड़ करके हमें अपने तीर्थ स्थानों पे जाना चाहिए। ये बड़ोदरा जो है, बड़ोदरा ये गुजरात के अंदर है, हमें संकल्प भूमि पे वहाँ जाना चाहिए और बाबा साहब की उस प्रतिज्ञा, जहाँ पे बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी वहाँ नमन करके आना चाहिए। और मैं भी ज़रूर जाऊँगी बाबा साहब की इस संकल्प भूमि पे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राजकुमारी जी का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।